नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द स्टडी पावर। आज के इस वीडियो में हम 26 अगस्त से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के आखिर तक आप बने रहे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डेली आपकी क्लास जो है वो 8:15 बजे होगी, तो आप डेली इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का वो है, हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो इंडिया के, वो अभी अपॉइंट किया गया है राजीव कुमार को, तो आपको ध्यान रखना है। और पूर्व IAS अधिकारी है राजीव कुमार, जिन्हें हाल ही में चुनाव आयुक्त जो है वो नियुक्त किया है, और वे अशोक लवासा का स्थान लेंगे। यानी इससे पहले जो हमारे चुनाव आयुक्त थे वो अशोक लवासा थे, और अब उनके स्थान पर कौन बने हैं, राजीव कुमार बने हैं। और अशोक लवासा का स्थान लेंगे जिन्होंने एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB के उपाध्यक्ष का कार्यभार संभालने के लिए ये पद छोड़ा है। यानी अशोक लवासा जो है वो अब ADB के क्या बन गए हैं, उपाध्यक्ष, और उनकी जगह पर अब राजीव कुमार को नया इलेक्शन कमीशन जो है वो बना दिया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 की। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार फॉरेक्स रिजर्व में भारत का स्थान कौन सा है। तो फॉरेक्स रिजर्व में भारत का जो स्थान है वो 4th है, यानी 4th स्थान है। और विदेशी मुद्रा भंडार जो है, जिसे फॉरेक्स रिजर्व भी कहा जाता है, के मामले में भारत का स्थान जो है वो दुनिया भर में 4th है। और विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है, जिसे हम फॉरेक्स रिजर्व भी कहते हैं। तो विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो किसी भी देश के केंद्रीय बैंक, तो हमारे भारत का केंद्रीय बैंक आपको पता है कौन है, सेंट्रल बैंक कौन है, RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है, किसी भी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा रखी गई धनराशि या अन्य परिसंपत्तियां हैं, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वे अपनी देनदारियों का भुगतान कर सके। इस तरह की मुद्राएँ जो है वो केंद्रीय बैंक जारी करता है, ठीक है। और बहुत सारे जो बैंक्स होते हैं RBI के अंडर काम करते हैं, वो भी जो है ये रखते हैं, ठीक है, ये जो मुद्रा है वो RBI के पास में रखते हैं, ताकि फ्यूचर में जो भी अगर ज़रूरत पड़े तो वो अपनी देनदारियों का भुगतान कर सके। तो आपको इसको ध्यान रखना है कि फॉरेक्स रिजर्व में जो है भारत का स्थान क्या है, 4th, पहले 5वां था, अब 4th हो गया। उसके बाद में हाल ही में नजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 किसे मिला है। तो हाल ही में नजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार जो है वो गजानंद यादव को मिला है। और गजानंद यादव जो है वो विंग कमांडर गजानंद यादव को एयर एडवेंचर श्रेणी में जो है टेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 दिया गया है। और साहसिक पुरस्कारों की श्रेणी में ये जो पुरस्कार है नजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार, ये भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार माना जाता है। और ये पुरस्कार जो है वो 4 श्रेणियों में दिया जाता है, वायु में साहस, भूमि पर साहस, जल में साहस और लाइफ टाइम अचीवमेंट में दिया जाता है। तो हाल ही में गजानंद यादव को जो है वायु में साहस यानी एयर एडवेंचर श्रेणी में जो है ये पुरस्कार मिला है। तो आपको इसको ध्यान रखना है, गजानंद यादव को ये पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट बात करें अगर हम 4th क्वेश्चन की, तो हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा बैम्बू रिसर्च सेंटर भारत के किस राज्य में बनकर तैयार हुआ है। तो हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा बैम्बू रिसर्च सेंटर जो है वो महाराष्ट्र में बनकर तैयार हुआ है। और हाल ही में महाराष्ट्र का जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है चंदपुर, वहाँ पे ये एशिया का सबसे बड़ा बैम्बू रिसर्च सेंटर बना है। और इसमें 1000 आदिवासी महिलाओं और 500 से ज़्यादा स्थानीय युवाओं को बैम्बू के प्रोडक्ट्स बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें बांस से बायोडीजल से लेकर बुलेट प्रूफ जैकेट तक बनेगी। और 100 करोड़ की लागत में ये बना है, और इस सेंटर का जो आर्किटेक्ट है वो टाटा कंपनी ने तैयार किया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 2017 में जो है इसका शुभारम्भ किया गया था। और आपको ध्यान रखना है कि एशिया का सबसे बड़ा बैम्बू रिसर्च सेंटर जो है महाराष्ट्र में बनकर तैयार हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो हाल ही में किस देश ने मिशन कोविड सुरक्षा शुरू की है। तो मिशन कोविड सुरक्षा जो है वो भारत ने शुरू किया है, और भारत सरकार ने जो है हर नागरिक तक वैक्सीन पहुँचाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इस मिशन की शुरुआत की है। और इसके तहत क्या होगा दोस्तों, इसके तहत जो वैक्सीन निर्माण है और इसके वितरण से, इसकी मार्केटिंग से जुड़े जो भी
विभिन्न मंत्रालय है, विभाग है, निजी कंपनियां हैं, संगठन है, उनके बीच समन्वय बनाने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय को नोडल बॉडी बनाया गया है ताकि हर इंसान तक जो है वैक्सीन पहुँच सके। जब ये वैक्सीन बन जाएगी उसके बाद की प्लानिंग है ये, तो आपको ध्यान रखना है मिशन कोविड सुरक्षा जो है भारत ने शुरू की है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो हाल ही में गठित NRA यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जिसके बारे में आपने सुना होगा कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने जो है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है उसका गठन किया है, जिसके तहत अब एक राष्ट्र एक एग्ज़ाम यानी जो प्री एग्ज़ाम्स होंगे SSC बैंकिंग सबके लिए वो एक ही एग्ज़ाम होगा। उसके द्वारा करवाया जाने वाला जो CET है यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट साझा पात्रता परीक्षा, उसका स्कोर कितने साल तक मान्य रहेगा यानी कितने साल तक इसका जो स्कोर है वो वैलिड रहेगा, तो इसका स्कोर जो है वो 3 साल के लिए वैलिड रहेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। और CET का जो स्कोर है वो घोषित होने की तारीख से, रिजल्ट घोषित होने की तारीख से 3 साल तक वैलिड रहेगा और उम्मीदवार स्कोर बढ़ाने के लिए बार बार परीक्षा दे सकेंगे। और CET में ऊपरी आयु सीमा जो है वो मौजूदा नियमों के अनुसार रहेगी, जो भी OBC SC ST में रिलैक्सेशन मिलता है वो उसी तरीके से मिलता रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि NRA द्वारा करवाया जाने वाला CET का स्कोर जो है वो 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, हाल ही में भारत के किस घुड़सवार को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, तो हाल ही में जो अजय सावंत हैं घुड़सवार हैं उन्हें जो है अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और अजय सावंत जो है वो लगातार 3 टेंट पेंगिंग वर्ल्ड कप में 8 गोल्ड मेडल 4 सिल्वर मेडल 1 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं। 61वीं कैवलरी जो जयपुर में है उसकी टीम से पोलो भी खेलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि अर्जुन अवार्ड से सम्मानित हाल ही में घुड़सवार अजय सावंत को किया जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, हाल ही में ICC के हॉल ऑफ फेम में कौन शामिल हुए हैं, तो हाल ही में ICC के हॉल ऑफ फेम में जैक कैलिस, जहीर अब्बास, लिसा स्थालिकर ये सभी जो है शामिल हुए हैं, तो इसका आंसर जो है वो 4th है। और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व ऑलराउंडर है जैक कैलिस और पूर्व पाक बल्लेबाज जो है वो है जहीर अब्बास, और जो पुणे में जन्मी पूर्व ऑस्ट्रेलियन कप्तान लिसा स्थालिकर जो है उन्हें ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। और कोरोना महामारी के कारण ये सेरेमनी जो है वो वर्चुअली हो रही है, आजकल सभी सेरेमनी वर्चुअली की जा रही है कोरोना को देखते हुए, तो इसका आंसर जो है वो क्या है, उपयुक्त सभी। उसके बाद में बात करें हम क्वेश्चन नंबर 9 की, तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने 108 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा की है, तो हाल ही में हरियाणा जो सरकार है उसने 108 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा की है। और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से राज्य में 108 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा की है, तो आपको ध्यान रखेगा कि हाल ही में ये हरियाणा सरकार ने घोषणा की है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में अश्विनी भाटिया जो है उन्हें किस बैंक का MD नियुक्त किया गया है, तो उन्हें SBI का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो है MD नियुक्त किया है। और भारत सरकार द्वारा अश्विनी भाटिया को स्टेट बैंक भारतीय स्टेट बैंक SBI का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है और वे 31 मई 2022 तक जो उनकी सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट की जो डेट है तब तक वो इस पद पर बने रहेंगे। और इन्हें PK गुप्ता के स्थान पर नियुक्त किया, यानी इससे पहले जो SBI के MD थे वो कौन थे, PK गुप्ता, और अब कौन बन गए, अब बन गए अश्विनी भाटिया। तो आज का ये वीडियो दोस्तों बस इतना ही, डेली जैसा मैंने बताया हमारी करंट अफेयर्स की क्लास जो है डेली 8:15 होगी, तो आप इसे अटेंड कर सकते हैं। जितनी भी अपकमिंग एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो हम अपने फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करते हैं, तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक करें इसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।